हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की हमारी रेसिपी है आटे का सैंडविच। बहुत ही टेस्टी लगता है ये खाने में। टेस्ट के साथ साथ ये बहुत ज़्यादा हेल्दी है। कभी कभी हमें समझ में नहीं आता कि सुबह नाश्ते में क्या बनाएं या बच्चों के टिफ़िन में क्या पैक करके रखें, और ऊपर से बच्चे वेजिटेबल नहीं खाते ना, तो और ज़्यादा दिमाग ख़राब हो जाता है। इसलिए आज वेजिटेबल से भरपूर आटे का ये सैंडविच बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा आपको खाने में, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए फटाफट से आज की रेसिपी शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे पैन गरम करने के लिए रख दिया है, और पैन में हम डालेंगे 1 कप आटा। तो यहाँ पे मैं मेजरिंग कप का यूज़ कर रही हूँ, आप किसी भी कटोरी से नाप के डाल सकते हैं। और इसी के साथ हम इसमें डालेंगे 1/2 कप सूजी। तो आप चाहें तो आटा और सूजी दोनों बराबर भी ले सकते हैं, या जिस तरीके से मैंने मेजरमेंट किया है आटे सूजी का, वो भी आप कर सकते हैं। तो हमें दोनों को बहुत ही हल्का सा भूनना होगा। तो लो टू मीडियम फ्लेम पे हमें इन दोनों को सिर्फ 1 से 1.5 मिनट तक भूनना है, इससे ज़्यादा नहीं भूनना है। बस जो आटे का कच्चापन है ना, वो निकल जाना चाहिए और सूजी थोड़ी सी भुन जानी चाहिए। कलर चेंज नहीं करना, ना ही हमें इसको जलाना है। जैसे ही इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आने लगेगी, हम गैस को बंद कर देंगे और इसे किसी भी बाउल में निकाल देंगे। भूनने का रीज़न ये है कि जब हम सैंडविच बनाएंगे तो उसमें आटे का कच्चापन खाने में नहीं लगेगा। तो आटे सूजी को हमने मिक्सिंग बाउल में निकाल लिया है। अब सेम पैन में हम डालेंगे 1/4 कप के करीब, ये है मसाला ओट्स। तो यहाँ पे मैं मसाला ओट्स यूज़ कर रही हूँ, आप सिंपल ओट्स का यूज़ भी कर सकते हैं, या अगर आपके पास ओट्स नहीं है तो बिना ओट्स के भी आप इन्हें बना सकते हैं। लेकिन मसाला ओट्स डालने से ना ये सैंडविच बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी बनेगा और साथ ही में हेल्दी भी बनेगा। इसे भी हमें सिर्फ 1/2 या 1 मिनट तक भूनना है। तो ओट्स को भी हमने मिक्सिंग बाउल में निकाल लिया है, और फिर से हम उसी पैन में डालेंगे 1 बड़ा चम्मच के करीब ऑयल। तो गैस कर देंगे लो टू मीडियम फ्लेम पे, और जैसे हमारा ऑयल गर्म होगा हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून हम इसमें डालेंगे राई, और दोनों को अच्छी तरीके से तेल में भुनने देंगे। और यहाँ पे हमने कुछ सब्जियाँ पहले ही कट कर रखी हैं। 1 मीडियम साइज़ की बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, 1 मीडियम साइज़ की बारीक कटी हुई प्याज, 1 गाजर ले लिया है जिसे कद्दूकस कर लिया है, 1 टमाटर लिया है जिसका हमने बीच का पार्ट निकाल लिया है और साइड का पार्ट कट कर लिया है। तो जैसे हमारा जीरा और राई अच्छे से भुन जाएगा तो प्याज, शिमला मिर्च और टमाटर हम इसमें डाल देंगे। तो देखिए यहाँ पे आप वेजिटेबल जो भी आपको पसंद हो वो यूज़ कर सकते हैं। तो हमें वेजिटेबल को भी हल्का सा भूनना है, मतलब हल्का सा पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना है। तो सब्जियों को हमें सिर्फ 2 मिनट तक पकाना है लो टू मीडियम फ्लेम पे। बस जो सब्जियों का कच्चापन है ना वो निकल जाना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं पकाना है। तो कद्दूकस किया हुआ गाजर भी डाल देंगे और सारी सब्जियों को हम 1 मिनट तक और पका लेंगे। तो टोटल हमने 2 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम पे सभी सब्जियों को पका लिया है। तो गैस को बंद कर देंगे और उसे निकाल देंगे जिससे कि ये ठंडी हो जाए। और ये हमने मिक्सिंग बाउल में आटा, सूजी और ओट्स को निकाल लिया था, तो इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसमें हम ज़्यादा कुछ मसाले नहीं डालेंगे, बस नॉर्मल जो हम डेली के यूज़ करते हैं वो डालेंगे। 1/2 टीस्पून हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, लाल मिर्च यहाँ पे मैं डाल रही हूँ स्वाद अनुसार, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, और नमक डालेंगे और अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो मसालों को अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद अब इसमें हम डालेंगे 1/2 कप दही। तो ध्यान रखें दही एकदम फ्रेश होनी चाहिए, ज़्यादा खट्टी यूज़ ना करें। दही डालने के बाद मिक्स कर देंगे, और अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक बैटर रेडी करेंगे। ज़्यादा पतला बैटर नहीं होना चाहिए, एक जैसे डोसे वाला बैटर होता है उस तरीके का बैटर हम रेडी करेंगे। तो एक साथ पानी ना डालें, थोड़ा थोड़ा पानी करके डालें। तो ये देखिए ये हमारा बैटर रेडी है, कुछ इस तरीके की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए बैटर की, बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए। तो टोटल इसमें 1.5 कप पानी लगा है, क्योंकि जो सूजी होती है वो थोड़ा सा पानी को सोख लेती है। अब इसमें हम डालेंगे पनीर। तो यहाँ पर मैंने 1/2 कप के करीब पनीर लिया है जिसे मैंने ग्रेट कर लिया है, और बस पनीर के बाद हम इसमें डाल देंगे सारी सब्जियाँ जो अच्छे से ठंडी हो चुकी हैं। इसे डालने के बाद हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया और हरी मिर्च, आप चाहें तो हरी मिर्च को स्किप भी कर सकते हैं। और लास्ट में हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर। ध्यान रखें बेकिंग पाउडर यूज़ करना है, बेकिंग सोडा नहीं यूज़ करना। बेकिंग पाउडर डालने के बाद सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे।
तो सैंडविच के लिए ये बैटर हमारा रेडी है। तो देखिए, अगर आपके पास सुबह टाइम नहीं है, बहुत जल्दी है आपको, तो आप क्या करें, रात में ही आटा, सूजी और ओट्स को भून के रख सकते हैं। साथ ही में सब्जियों को भी हल्का सा पका के फ्रिज में रख सकते हैं और सुबह उठें, फटाफट से ये बैटर रेडी करें और फटाफट से सैंडविच बना लें। तो सैंडविच बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ये सैंडविच टोस्टर लिया है। आप देख सकते हैं इसके दोनों साइड पे मैंने अच्छे से बटर लगा लिया है, मतलब मैंने कुछ ज़्यादा ही अच्छे से बटर लगा लिया है। आप थोड़ा सा कम भी यूज़ कर सकते हैं। तो अभी मैंने गैस ऑन नहीं करी है, अभी हम जो बैटर है वो इसके अंदर डालेंगे, उसके बाद गैस ऑन करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे मैं सैंडविच टोस्टर यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास ये नहीं है तो डोंट वरी, आप इसका चीला बना के भी खा सकते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो हमने इसमें बैटर को डाल दिया है। ध्यान रखें, बैटर को बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, ऐसा ना हो कि बैटर इसमें से बाहर निकले, क्योंकि हमने इसमें बेकिंग पाउडर यूज़ किया है, उससे क्या है सैंडविच थोड़ा सा फूलेगा भी। अब हम गैस को ऑन कर देंगे और लो फ्लेम पे हम इसे दोनों साइड से सेकेंगे। तो अभी हम एक साइड से इसे सेकेंगे, तो बस एक मिनट तक हम इसे एक साइड से सेकेंगे, फिर हम इसे इस तरीके से पलट लेंगे। तो 2 मिनट हो चुके हैं इसे पलट पलट के सेकते हुए, तो चेक कर लेते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया सिका है, लेकिन अभी ये कच्चा है, अभी हमें इसे दोनों साइड से और सेकना है। तो फिर से चेक कर लेते हैं और ये देखिए कितना बढ़िया हमारा सैंडविच सिका है। दूसरी साइड से भी चेक कर लेते हैं। तो एक सैंडविच सिकने में 3 से 4 मिनट तो लगेंगे, लेकिन सेकना आपको इसे लो फ्लेम पर है, तो गैस को बंद कर देंगे और इसे निकाल लेंगे। सैंडविच को हमने प्लेट में निकाल लिया है और मैं अब आपको इसे कट करके दिखाऊंगी, लेकिन काटने से पहले आप ये देखिए कितना बढ़िया सैंडविच बना है दोनों ही साइड से, कोई नहीं कह सकता कि ये आटे से बना है। तो कट कर लेते हैं इसे। तो ये लीजिए, आटे का सैंडविच बनके तैयार है। आप देख सकते हैं ऊपर से एकदम क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट। देखने में आपको शायद ये लगेगा कि अंदर से कच्चा है, लेकिन यकीन मानिए अंदर से बिल्कुल भी कच्चा नहीं है, क्योंकि सभी सब्जियों को और आटे को हमने पहले ही पका लिया है, इसलिए इसमें कच्चापन बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो इस रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। ट्राई करने के बाद कमेंट, लाइक, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही में चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आप इस सैंडविच को खाइए टमाटो केचप के साथ या हरी चटनी के साथ। तो हम जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।